इंडियन वेल्स नाओमी ओसाका ने विश्व नाम एक सिमोना हिल को डारिया कासेटकिना के खिलाफ फाइनल सेट बनाने का मौका दिया। वर्ल्ड नाम एक सिमोना हिल शुक्रवार को WTA इंडियन वेल्स टूर्नामेंट से बाहर हो गई, क्योंकि वह जापान के विश्व नंबर 44 नाओमी ओसाका को 6-3, 6-0 हार गई थी। 26 वर्षीय पूर्व चैंपियन हिल्प इस सत्र में 18-2 हार गए थे, क्योंकि वह बिना 64 सीट ओसाका के कोर्ट में 64 मिनट तक चली गई थी। उन्होंने कहा, मैं अभी तैयार नहीं था, मुझे गेंद बहुत याद आती है और मैं खेलना नहीं चाहता था, मुझे बहाना नहीं मिल रहा है, वह बेहतर थी, मैं सिर्फ तैयार नहीं था और गलत खेला था। ओसाका ने हेलप को अपने तीसरे मैच पॉइंट पर हटा दिया जब रोमानिया ने बैकहैंड का नेटवर्थ बनाया। 44वें स्थान पर जापान में जन्मे ओसाका ने पहले दौर में मारिया शारापोवा को हराकर टूर्नामेंट खोला। उसने फाइनल के लिए अपने 31वें नंबर पर एक नजीका रुडवांस का और 9-5 का रोलेना प्लिस्कोवा को हराया था। 6 मैचों में सिर्फ एक सेट छोड़ दिया। ओसाका का सामना 20 वर्षीय डारिया कुस्टकिना से होगा, जिन्होंने पहले सेमीफाइनल में 7 बार ग्रैंड स्लैम विजेता वीनस विलियम्स को 4-6, 6-4, 7-5 हराया था। हिल्प ने कहा, उन दोनों को फाइनल में होना चाहिए। ओसाका ने 2018 में 14-4 में सुधार किया, क्योंकि वह 2005 में किम क्लिस्टर्स के बाद से सबसे कम रैंकिंग इंडियन वेल्स सेमीफाइनल के रूप में संघर्ष में आया था। हेलिप में 3 डबल दोष थे, उन्होंने अपनी दूसरी सर्विस पर सिर्फ 5 अंक जीते और 5 बार का सेवन किया। हेलिप जो 2018 में अपने सभी 4 टूर्नामेंट में सेमीफाइनल तक पहुंचे थे, 3 साल पहले की भारतीय वेल की सफलता को दोहराने की कोशिश कर रहे थे, जब उन्होंने जेलेना जेंकोविच को ट्रॉफी जीतने के लिए हरा दिया। पहले सेमीफाइनल में कासेटकिना ने लगातार तीसरे नंबर पर शीर्ष 10 खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया। चौंकाने वाला नंबर 1 नंबर का नंबर था विलियम्स। 20 वर्षीय कासेटकिना ने अपने करियर की सबसे बड़ी जीत का दावा करने के लिए जमकर खिताब जीता, जिसमें शीर्ष खिलाड़ियों में ग्रैंड स्लैम विजेताओं और पूर्व विश्व संख्या वाले खिलाड़ियों पर सालाना हमले का विस्तार किया गया। मुकाबले में सेतुकिना ने मैच के लिए दूसरे मुकाबले में जीत हासिल की, क्योंकि वह 40-0 की बढ़त के साथ आगे बढ़ी। शुक्र ने पहले मैच बिंदु पर एक क्रॉसकोर्ट फोरहैंड विजेता को हराया, लेकिन फिर 2:49 मैराथन शूटआउट को समाप्त करने के लिए नेट में एक बैकहैंड फेंक दिया। आखिरकार युवा रूसी 37 वर्षीय विलियम्स के लिए बहुत मजबूत साबित हुआ, जो लगभग 2.25 घंटे की छिद्र के बारे में एक दीवार को मारा। तीसरे सेट में टर्न एंड पॉइंट के रूप में विलियम्स ने 9वीं गेम में सेवा देकर 5-4 की बढ़त लेने के लिए अपनी कुर्सी पर भारी सांस छोड़ दी। विलियम्स, जिन्होंने कासेटकिना का जन्म होने से पहले इंडियन वेल्स में मैच जीते थे, ने टेनिस में दीर्घायु का आनंद लिया है, जो कि शायद ही कभी हासिल किया जाता है, लेकिन आखिरकार उसके पास बढ़ते रूसी स्टार के साथ रहने के लिए पैर नहीं थे, जिन्होंने अंतिम 3 गेम जीता। कासेटकिना ने एक एस को निकाल दिया, 5 डबल गलतियां मारा और विलियम्स को मनोरंजक मैच में 7 बार का मुकाबला किया। विलियम्स ने अधिक विजेताओं को 45-30 हराया और कासेटकिना को 6 बार तोड़ दिया, लेकिन उन्होंने 5 डबल गलतियां भी बनाई। कुछ मैच में महत्वपूर्ण क्षणों में विलियम्स ने कहा, जो भी नुकसान के लिए इस्तेमाल होता है उसे जीवन पर छोड़ देना चाहिए। कासेटकिना कैंडोला रेगिस्तान टूर्नामेंट के माध्यम से अपने सिंड्रेला को जारी रखती है, क्योंकि वह अपनी दूसरी WTA खिताब के लिए जाती है। उसने चार्ल्सटन में अपना पहला मुकुट दावा करके 2017 को हराया। फाइनल में साथ ही किशोर जेलेना उस्तापेंको को हराया।
कासटकिन ने पिछले एक साल में सभी चार ग्रैंड स्लैम चैंपियनों को हराया है, जिसमें यूएस ओपन चैंपियन स्लोअन स्टीफन्स दो बार शामिल हैं। उसने इंडियन वेल्स में दूसरी बार ऐसा किया जिसने अपने तीसरे दौर के मैच में 6-4, 6-3 जीत दर्ज की। स्टीफन्स को खत्म करने के बाद उन्होंने सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए दो शीर्ष 10 खिलाड़ियों को हराया। चौथे राउंड में विश्व की नंबर दो कैरोलिन वोज़नियाकी ने तीन सेटों में और फिर क्वार्टर में सीधे सेट में कोई 10 एंजेलिक केरबर नहीं किया। रूसी जबरदस्त दौड़ में दौड़ने से पहले विलियम्स को सेमीफाइनल में आसान नौकायन किया गया था, क्योंकि उसने शीर्ष 20 में किसी के स्थान पर खेलने के बिना यह किया था। तीसरे दौर में उसने अपनी बहन सेरेना को हराया, जिन्होंने 22 महीने की उम्र में एक बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षित रैंकिंग की थी। कासटकिन अब विलियम्स के खिलाफ 2-1 बढ़त बना रही है, जिसने उन्हें 2016 में ऑकलैंड में पहली बार खेलने के लिए मुकाबला किया था। वीनस ने कहा, मैं वास्तव में बहुत सारी त्रुटियां करता हूं, यह बहुत ज्यादा है, मेरा मतलब है मुझे उसके खिलाफ कई त्रुटियां रोकना होगा, शुक्र ने कहा।